हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं अपने इस प्लेन कुर्ता सेट को थोड़ा सा डिटेलिंग दूंगी और इसके मैचिंग का हम एक दुपट्टा क्रिएट करेंगे। सो ये कुर्ता सेट मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। स्लीव्स और बाकी जो इसका लेंथ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, कलर शेड भी बहुत प्यारा है। अब क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी डिटेलिंग दूंगी और दुपट्टा इसका बनाऊंगी। सो मैं अपने बेसिकली सारे दुपट्टास और सब कुछ एक ही जगह रखती हूँ, तो उसमें से मुझे मिला एक बहुत पुराना अपना ये दुपट्टा, काफ़ी पुराना है। इसका सूट मतलब पहन के बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, बस दुपट्टा रह गया है। चंदेरी का दुपट्टा है, इस तरीके से मैचिंग की पिंक कलर की लगी हुई है जो ऑलरेडी सूट की थी। अब सबसे पहले मैं इसका जो लेंथ है उसको और स्लीव्स को थोड़ा सा दूंगी फिटिंग, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसी से हम दुपट्टे में इसका मैचिंग करने का कोशिश करेंगे। सो इसका जो दुपट्टा है ये इस तरीके से टैसल्स के साथ है, और ये क्योंकि काफ़ी पुराना है तो इसके टैसल्स कहीं से ख़राब हो रहे हैं और खिंच भी जा रहे हैं। अब कुर्ती में से बहुत ज़्यादा फैब्रिक तो नहीं निकला, बट इतना तो निकल गया है कि दुपट्टे के दोनों एंड्स में आप इस तरीके से ऐड करके इसको मैचिंग का कर सकते हैं। सो जो स्लीव्स थी उसमें भी मैंने इस तरीके से थोड़ा सा डिटेलिंग दिया है और उसको अच्छे से फिनिशिंग दे दूंगी मैं अंदर से। दुपट्टे में थोड़ा सा और मुझे डिटेलिंग देनी थी, जिसके लिए मैंने चूज़ किया कि मैं इसमें टैसल्स बनाऊंगी, और ये टैसल्स बनाना बहुत ईजी है। अब दुपट्टा रेडी हो चुका है। अब ये जो कुर्ती है क्योंकि बिल्कुल प्लेन है तो नेक पे और स्लीव्स पे मैंने डिसाइड किया कि मैं बीट से इसको हल्की सी डिज़ाइनिंग, थोड़ा सा बीट से जो भी डिटेलिंग है वो मैं करूँगी। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 बीट्स लिए हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड बीट है सेंटर वाला, उसको हमें लॉक करना है ताकि थोड़ा सा ये ट्राइंगल टेम्पल में ऐसा स्ट्रेट रहे, अदरवाइज़ वो मूव करेगा तो शेप आपका जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सो बीट्स की डिटेलिंग सीरियसली बहुत टाइम लेती है, बहुत पेशेंस के साथ, और कई बार तो जो है निडल में वो बीट्स फिट भी नहीं बैठता तो वो और टाइम लेता है। बट इस तरीके से मैंने अपना जो डिटेलिंग का और जो भी इस सूट को एक नया लुक देने का कोशिश किया वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट किया, एंड मैं सबसे ज़्यादा खुश तो इस दुपट्टे को हूँ जो इतने टाइम से मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, बट अब फाइनली मैं इसको फिर से यूज़ कर पाऊँगी।
आई होप कि आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।